तो कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका भौतिक शास्त्र का एकदम रियल पेपर आ गया है मेरे पास, तो इस प्रकार आपका पेपर रहेगा 70 नंबर का पेपर, फुल सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्राप्त कराऊंगा। तो बिना देरी के हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैंने टिक मार्क पहले से कर लिए इस प्रकार के कि आपको थोड़ी सी जल्दी हो जाए, आपके पास सर टाइम नहीं, तो फटाफट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहले में आएगा न्यूटन, दूसरे में नियत वेग में गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा शून्य, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, तो कर्ण। यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा बढ़ेगा एक अश्व शक्ति बराबर 74.6 वोल्ट, गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है तो उसके ज्यामिति केंद्र पर, इसी का कलर का द्वितीय नियम आधारित संरक्षण पर है तो रेखिक संवेग, इसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा अच्छे से, उनके लिए भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक रिक्त स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर द्रव्य की सबसे छोटी जो बूंदे है तो पृष्ठी तनाव गोलाकार होता है, फोटोन संवेग होता है ये देख लीजिएगा, परम शून्य जो ताप का मान होता है तो शास्त्रीय होता है 0.15 डिग्री सेल्सियस, सरल लोचक का आवर्तकाल पर निर्भर करता है तो द्रव्यमान पर, और इसी प्रकार सरल जो पृथ्वी पर सेकंड लोचक की लंबाई हो जाएगी 99.4, और यहाँ पर पांचवें समानुपाती छठे में पास कर लिया जाएगा सातवें, इस प्रकार जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी बच्चे यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो जोड़ी की बात की जाए तो जोड़ी का भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख लीजिएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका जो सूत्र रहेगा, और जो आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा तो दूसरा भी यहाँ पर जो आपका जाएगा कामर गोमा आ जाएगा, और जड़त्व की माप जो रहेगी आपकी वो द्रव्यमान पर रहेगा, इसी प्रकार पृथ्वी की आकृति जो रहेगी आपकी यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार हो जाएगी, उसी प्रकार प्रकाश जो तरंग रहेगी आपके चट्टा अनुप्रस्थ तरंगे, और जो आपका सातवा है वो आपका यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा, इसी प्रकार जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो यहाँ पर जोड़ी को यहाँ पर देख लीजिएगा। एक वाक्य की बात की जाए तो एक किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन बल के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन बल के बराबर होता है। घूर्णन गति का तृतीय समीकरण क्या होगा, तो स्क्वायर बराबर W² + 2AO। गुरुत्व विभाग का मात्रा का मूल सूत्र आपका हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, यहाँ पर यह आपका सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका पृथ्वी पर पिंड की गुरुत्व स्थितित ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पर यह सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार आदर्श गैस आंतरणिक बल कितना होता है, तो शून्य। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो एक चंद्रमा ही बाकी सब ग्रह हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा ये देख लीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर पांचवे से आपके प्रश्न चालू होंगे। उत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, मात्रक वेग एम दक्षिणी वेग का तात्पर्य है, अभिकेंद्रित त्वरण क्या से क्या तात्पर्य है, घर्षण किसे कहते हैं। इस प्रकार आप जो ये बता रहे क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सल्यूशन है इसका PDF के द्वारा मैं अगली वीडियो में आपको प्राप्त करा दूंगा, तो आप उसमें पेपर नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि आपके पास भी नहीं रहेगा स्क्रीनशॉट, आप PDF में फोटो खींच के मैं आपको कर दूंगा, तो आप पेजेक ढूंढने कोई सकता नहीं है, मैंने आपको यहीं पर प्राप्त कराऊंगा। तो बिना देरी किए आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार्य की परिभाषा लिखे, उसका व्यंजक कोणी संवेग या आपका 16वां, सरल लोचक आपका या आपका 18वां या आपका 19वां, और इसी के साथ जो आपका यहाँ पर पेपर पूरा बता दिया। इस प्रकार अच्छे से मेहनत कीजिए तथा इसका सल्यूशन मैं अभी जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।